Dear students, in this module, we are going to discuss quackery and integrative healthcare system as an alternative medicine. Alternative medicine refers to the practices that are outside of the mainstream of conventional medicine system. Examples of alternative medicine include acupuncture, herbal medicine, meditation, and spiritual healing. The use of alternative medicine has grown in popularity in recent years, driven in part by dissatisfaction with the high costs and side effects of conventional or cosmopolitan medical system. जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से medical system मौजूद हैं। आ, ये सिर्फ और सिर्फ जो cosmopolitan या जो English medical system है वो ही नहीं है। बल्कि इसके साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम भी है इसी तरह से हमत भी है और साथ साथ जो स्पिरिचुअल हीलिंग है जिसमें जो जो झाड़ फूँक करने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास एज एन अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम मौजूद हैं जो जिनको हम स्पिरिचुअल हीलर्स भी कहते हैं तो इस तरह आ, ये मोज़ेक ऑफ डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स और, और मेडिकल कल्चर्स और इनके वजह से हमारे यहाँ ये जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होती हैं इनकी तरफ लोग क्यों जाते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो इंग्लिश या कॉस्मोपॉलिटन मेडिकल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं उनको ज़्यादा फोकियत देते हैं तो इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू डिस्कवर थ्रू सोशोलॉजिकल लेंस सो हाउ एवर मैनी अल्टरनेटिव प्रैक्टिस हैव नॉट बीन रेगुलसली टेस्टेड और प्रूवन इफेक्टिव एंड सम मे इवन बी हार्मफुल इंटीग्रेटिव मेडिसिन सीक्स टू कम्बाइन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेज टू हेल्थ केयर इन अ होलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड मैनर तो चूँकि ये साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं होते हैं इस वजह से इनकी वो लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी नहीं होती है जो कि कॉस्मोपोलिटन मेडिकल सिस्टम की है और यही वजह है कि इन इस तरह के मेडिकल सिस्टम को जो है हमेशा डिस्करेज किया जाता है साइंटिफिकली स्पीकिंग जो सोसाइटीज़ होती हैं या जो कंट्रीज़ होती हैं ख़ासतौर तो पर जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि लोगों के लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कॉस्मोपोलिटन मेडिसिन uh, के ऊपर बेस करता हुआ हो ताकि लोग जो हैं वो मोर इफेक्टिव और मोर होलिस्टिक और एविडेंस बेस्ड जो मेडिकल है उसके थ्रू हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाए क्योंकि लोग जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का भी होता है एक्सेस का भी होता है तो इस वजह से भी लोग जो हैं इन अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स की तरफ जाते हैं सो एग्ज़ैम्पल्स ऑफ आल्टरनेटिव एंड इंटीग्रेटिव मेडिसन इन पाकिस्तान कैन इंक्लूड द यूज़ ऑफ़ आयुर्वैदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ आक्यूपेक्चर इन टू द कन्वेंशनल मेडिकल प्रैक्टिसज़ तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप ये देखें कि ये जो ब्लेंड है ये किस तरह से मिल के एक इंटीग्रेट हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर डिवाइज करता है और लोगों के लिए वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि एक मेडिकल सिस्टम को छोड़ के वो दूसरे मेडिकल सिस्टम की तरफ़ जाएं और ख़ास तौर पे ये देखने की ज़रूरत है कि उन लोगों के की करैक्टरस्टिक्स क्या होते हैं खास तौर पर जो डेमोग्राफिक करैक्टरस्टिक्स हैं वो क्या हैं यानी किस तरह के लोग हैं जो अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं अर्बनइज़्ड हैं रूरलाइट्स हैं एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड हैं किस क्लास से उनका ताल्लुक है ये सारे फैक्टर्स जो हैं द दीज आर इंटरेस्टिंग टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू